किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है? आज जो हमारा जो ये आमरण अनशन है, प्रदर्शन है, वो कुछ हमारी मांगे हैं वो निम्न प्रकार है कि जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है 12% जो आरक्षण दिया गया है उसमें से 12% आरक्षण ही एक विशेष समाज मीणा समाज उसका फ़ायदा उठा रही है और जो बाकी जो जातियां हैं उन्हें उसका कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जो 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले जो वो समाज थी, भील समाज थी, आज 70 साल पूर्व भी उनकी वो की वही स्थिति है। हमारी जो विभिन्न मांगे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12/7/2019 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने राजस्थान सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। और जैसा कि 12 जिला के जो शाहबाद किशनगंज में रहने वाले सहरिया जनजाति है उन्हें जनजाति कोटे के अलावा भी विशेष अधिकार को विशेष आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार से भील समाज को भी विशेष आरक्षण दिया जाए। और राजस्थान सरकार भील समाज को अलग से आरक्षण नहीं दे रही है, परंतु मैं बताना चाहूँगा कि गुजरों सहित जब 5 जातियों को अलग से 5% आरक्षण दे सकते हैं तो भील समाज सहित मीणा समाज को छोड़ के अलग से आरक्षण क्यों नहीं दे सकते। चौथी हमारी जो मांग है कि मूल आरक्षण में से 12% में से 6% आरक्षण हमें दिया जाए। और पांचवी हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार की जो तर्ज पर अनुसूचित जनजाति में ए और बी दो उपवर्ग बनाए जाए। और छठी हमारी जो मांग है वो है कि आज अनुसूचित जाति को विद्युत विभाग में आरक्षण प्राप्त है और उन्हें 2.5 से 3 महीने 4 महीने में कृषि कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन आज भी जनजाति समाज को बिल्कुल जनरल कोटे में रखा गया है। और हमारी सब ये महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि कृषि कनेक्शन में हमें जो विद्युत विभाग है उनमें हमें आरक्षण दिया जाए और हमें भी जनजाति वो अनुसूचित जाति की तर्ज पर ही 3 से 4 महीने में कृषि कनेक्शन उपलब्ध हो।